Hello everyone, I'm Akhilesh Kumar Srivastava. In today's lecture, we are going to discuss another problem, which is the shortest path in the binary matrix. Let us read out this problem. This is a very interesting problem. We will try to correlate this problem to the graph, and let's see that whether the BFS will work on this or the DFS will work on this. So given an n cross n binary matrix grid, return the length of the shortest clear path in the matrix. If there is no clear path, return minus one. So the clear path in the binary matrix is defined as it is a path from top left corner, that is 0, 0, to the bottom right, that is n minus 1, n minus 1, such that all the visited cells of the path are 0. All the adjacent cells of the path are 8 directionally connected. That is, if they are different and they share an edge or a corner. The length of a clear path is the number of visited cells of this path. So एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, और इस एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि इसमें किस किस तरह से इन्होंने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया, तो इन्होंने मान लिया कि हमने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया ऑपरेशन, और इनको 8 डायमेंशनलिटी की बात कही गई। इसका मतलब हम राइट में जा सकते हैं, लेफ्ट में जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। तो 8 डायमेंशन की बात है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं इस सेल से अगर डायगनली डाउन जाऊं तो मैं यहां पहुंचूंगा और यही मेरा टारगेट सेल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे वन हुआ और यहाँ पे टू। अगर हम रिकॉल करें अपने रॉटिंग ऑरेंजेस जैसी प्रॉब्लम जिसमें कि 4 डायमेंशनैलिटी की बात कही गई थी, तो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए 8 डायमेंशनैलिटी को ऐड करें और बीएफएस कर दें, बीएफएस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, तो हमें शायद सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो हम ऐसा ही शायद करने की कोशिश करेंगे। आइए हम एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को एक छोटे से एग्जाम्पल को लेते हुए बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। लेट्स से ये मेरा एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शंस है वो कौन सी होगी फॉलो करने के लिए सोल्यूशन के लिए। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल, विल गो टू द राइट, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल एंड विल गो टू द राइट। सॉरी, दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। यू विल गो फ्रॉम दिस टू डायगनली डाउन एंड देन वी विल गो टू डाउन। सो यू कैन सी दैट 1, 2, 3 एंड 4 इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच आर विजिटेड, एंड हेंस द आंसर इज 4। देयर इज अनदर क्वेश्चन गिवन। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो, एंड देखते हैं कि क्या हम इससे कुछ इंसाइट निकाल पाएंगे। सो हमारे पास एक सेल गिवन है, और वो सेल हमारे पास है 100। लेट्स से वी हैव अ 3x3 ग्रिड। इन दिस 3x3 ग्रिड द मार्किंग्स आर लाइक दिस, 100 एंड 110 एंड देन 110। सो वी हैव टू स्टार्ट अवर ऑपरेशन फ्रॉम हियर एंड हैव टू गो टिल हियर। सो यू कैन सी दैट कि जो पहला सेल है या जो 00 इंडेक्स वाला सेल है, वही जो सेल है वही हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। जबकि अगर हम ये देखें कि पाथ तो हमें लेके जाएगा यहाँ पे डेस्टिनेशन पे, लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करेंगे फर्स्ट सेल को, तभी ये लेके जाएगा। फर्स्ट सेल में भी 0 होना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट सेल में 0 नहीं है, 1 है, तो इसलिए हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमारा आंसर -1 होना चाहिए, और इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग हमें -1 रिटर्न करना चाहिए। ओके, आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करते हैं अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, लेट से वो हमारी पोजीशन है आई जे पोजीशन, तो वहां से 8 डायमेंशनलिटी का क्या मीनिंग है। तो लेट से दिस इज द ग्रिड, और इसमें आप किसी आई जे पोजीशन में करंटली हैं। हम तो मान रहे हैं कि जो आई जे है, इसका मतलब ये है कि आप आई एथ रो में हैं और आप जे एथ कॉलम में हैं। तो इसमें 8 डायमेंशनलिटी की बात है, हम 8 डायमेंशन को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमें राइट की तरफ जाना है। सो इफ यू हैव टू गो टुवर्ड्स द राइट, द रो नंबर विल रिमेन द सेम बट द कॉलम नंबर विल इंक्रीज बाय 1। सो दिस विल बी आई जे प्लस 1। सो इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट, देन दिस विल हैपन। इफ यू आर गोइंग टुवर्ड द लेफ्ट फ्रॉम द करंट सेल, सो द इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट सेल, सिंस यू आर गोइंग टुवर्ड द लेफ्ट, द इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट सेल विल बी कीपिंग द रो नंबर सेम एंड कॉलम नंबर विल बी डिक्रीज बाय 1। Similarly, if you are going to upsell, then let's say this is upsell, then
the row number will be decreased by 1 and the column number will remain the same. Similarly, if you're going towards the down cell from the current cell, then the index of this will be, row number will be increased by 1 and the column number will remain the same. Let's say you're going diagonally towards the right, diagonally towards the up. Then what will happen that the I is in decreasing, means I, the row number will decrease and the column number will increase in this case. Let's say you are going diagonally down towards the left. Then in this case, I think the row number will increase, whereas the column number will decrease. Similarly, if you're going towards the diagonally up towards the left, then the row numbers are going to decrease, whereas the column numbers are also going to decrease. So I minus 1 and J minus 1. Similarly, if you're going to diagonally write down, and then in that case, the row numbers are supposed to increase and the column numbers are also supposed to increase. So hum kisi ek cell se jab up down right down up down and right left move karenge, saath hi saath diagonally bhi move karenge, to coordinates is tarah se hamare change honge. Saath hi saath hume kya karna hoga ki ye dekhna hoga ki hum jahan pe bhi hain wahan se aatho directions possible nahi ho sakti. Jahan pe hum hain wahan se आठ डायरेक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि हमारा आई जे सेल बिल्कुल बीच में हो. अगर हमारा आई जे सेल किसी बाउंड्री पे है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान लें कि हमारा आई जे सेल ये वाला है, तो यहां से कौन कौन से मूवमेंट्स पॉसिबल होंगे? राइट पॉसिबल होगा, लेफ्ट पॉसिबल होगा, डाउन पॉसिबल होगा, डायगनली लेफ्ट, डायगनली राइट पॉसिबल होगा, डायगनली लेफ्ट डाउन पॉसिबल होगा. तो छह डायरेक्शंस तो तीन और पांच, तीन तो पांच, पांच डायरेक्शंस तो पॉसिबल हैं और बाकी तीन डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब है कि हमें बाउंड्री का ध्यान रखना है कि भले हमने कोड एट डायमेंशंस के लिए लिखेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें यहाँ पे ये भी चेक करना चाहिए कि क्या हम बाउंड्री पे हैं. अगर हम बाउंड्री पे हैं तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए. सो ये चेक हमें जरूर अप्लाई करके रखना पड़ेगा. सो हमारे पास ये सारे कन्वेंशंस हैं और इन्हीं कन्वेंशंस का ध्यान में रखते हुए हम अपना कोड लिखेंगे. चूंकि हम बीएफएस करने जा रहे हैं, तो बीएफएस करने के लिए मुझे एक क्यू की जरूरत पड़ेगी और इस क्यू में मैं सबसे पहले जीरो नंबर रो एंड जीरो नंबर कॉलम को डाल दूंगा और यहां से डिलीट करते करते सारी पॉसिबिलिटीज, मतलब एट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करूंगा. इसके साथ साथ मैं एक स्टेटस अरे मेंटेन करूंगा, उसका साइज बिल्कुल सेम होगा जो कि मेरा गिवन ग्रिड होगा. अगर मेरी गिवन ग्रिड 4x4 की है तो स्टेटस एरे भी मेरा 4x4 का होगा. अगर हम इसमें सारी वैल्यूज को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, जिसका मीनिंग ये है कि हम इन सेल्स पे अभी नहीं पहुंचे हैं, जैसे किसी सेल पे हम पहुंचेंगे उसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी. तो हमें ये अपडेशन करते रहना है. और अगर हम एक सेल पे पहले पहुंच चुके हैं किसी भी डायमेंशन से, किसी भी डायरेक्शन से, तो हमें दोबारा उस सेल पे नहीं पहुंचना है. इंट्यूशन ये है कि जो हमारा पहले वाली वैल्यू होगी या पहले जो हमने विजिट किया होगा उसमें कम एफर्ट लगा होगा, और अब हम जब ज्यादा जब आगे करेंगे या उसी सेल को दोबारा अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में ज्यादा एफर्ट लगेगा. सो वी विल गो विद द लेस एफर्ट, नॉट विद द मोर एफर्ट, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ की बात कही गई है. सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग कोड लिखते हैं. और हमारा, सो दिस इज अवर कोड. और इस कोड में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक ग्रिड का साइज पता कर ले रहे हैं, गिवन ग्रिड का साइज कितना है. तो लेट्स से द ग्रिड का साइज n है. अगर ग्रिड के 0 0 पोजीशन पे 0 नहीं है तो इसका मतलब हम -1 रिटर्न कर रहे हैं. इसका मीनिंग ये कि हम कभी भी टारगेट सेल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे. अगर मान लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल एक है और वहां पे 0 ही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी सोर्स पे हैं और ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे हैं. तो इस केस में हम 1 रिटर्न कर लेंगे. तो इस केस में हमें प्रोसेस नहीं करना चाहिए आगे. अगर एन क्यू 1 है, इसका मतलब केवल एक सेल है, मतलब 1x1 का सेल है. इट मींस अगर हम इसको डायग्राम को दिखाएं तो वी हैव अ 1x1 सेल और इसमें 0 ही है, तो यही सोर्स होगा और यही डेस्टिनेशन होगा.
तो हम सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने में जो एफर्ट लगेगा वो हमारा 1 लगेगा. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरो वैल्यूज इज ओनली 1 फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सो व्हाट इज दिस इज व्हाट इट इज आस्क्ड है. नाउ इसके बाद हम लोग कोड में देखते हैं कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी. हमें एक स्टेटस वेक्टर की आवश्यकता होगी जो कि 2D एरे है. तो 2D एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर से डिक्लेयर करते हैं. एन क्रॉस एन साइज का वेक्टर हमारा ये होगा और इस एन क्रॉस एन साइज के वेक्टर का जो वैल्यूज होंगे सारे वो -1 से इनिशलाइज होंगे. तो यही काम हमने 9 नंबर लाइन में किया. फिर इसके बाद हमने 0 0 सेल का जो स्टेटस है वो 1 कर दिया. इसका मतलब है कि हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया 0 0 नंबर सेल से. एक क्यू लिया, क्यू में हम रो और कॉलम दोनों डालेंगे इसलिए पेयर्स पेयर्स के फॉर्म में होगा हमारा क्यू. सबसे पहले हम पेयर बना के 0 0 नंबर रो एंड कॉलम को क्यू में पुश कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं. अपना ऑपरेशन तब तक रन करते हैं जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए और क्यू से फ्रंट वाली वैल्यू को एक पेयर पी में एक्सेप्ट करा लेते हैं. मान लेते हैं कि इस पेयर पी से हम दो वैल्यूज निकालेंगे, एक करंट रो एंड एक करंट कॉलम. व्हाई इज इट सो, लेट्स से हमने क्यू से एक 3 4 वैल्यू पॉप किया. तो ये पेयर के फॉर्म में है. इसमें ये वाली जो वैल्यू है वो रो है और ये वाली जो वैल्यू है वो कॉलम नंबर को बताता है. तो हमने क्या किया, इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है इस पेयर में से, उस फर्स्ट वैल्यू को करंट रो में ले लिया एंड इस वैल्यू को करंट कॉलम में ले लिया. हमारी जो जर्नी है वो करंट रो और करंट कॉलम के हिसाब से 8 डायमेंशनलिटी में आगे बढ़ेगी. फिर हमने 8 डायमेंशंस को देखते हुए कोड लिखा. सबसे पहले राइट के लिए जब कोड लिखा तो आई एम एक्सप्लेनिंग द कोड द राइट एंड रेस्ट ऑफ द कोड विल बी सिमिलर वन. सो हमने क्या किया, अगर हमें राइट की तरफ आगे जाना है तो कॉलम की वैल्यू को इंक्रीज करना है कीपिंग द रो वैल्यू सेम. अगर हम कॉलम की वैल्यू को 1 बढ़ाते हैं और ये बाउंड्री से पहले ही है जो करंट कॉलम है तो इसका मतलब क्या है कि हम सही जा रहे हैं. लेकिन अगर ये लेस देन एन नहीं है, n-1 नहीं है करंट कॉलम +1, इसका मतलब क्या है कि हम बाउंड्री पे ही है. +1 करेंगे तो n के इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब कि हम राइट नहीं जा सकते. और अगर इस नए पोजीशन पे जो करंट रो एंड करंट कॉलम +1 मतलब कि राइट वाला जो हमारा सेल है वहां पे 0 है, इसका मतलब हमें आगे जाने का रास्ता मिल गया है, हम आगे जा सकते हैं. लेकिन हम आगे तभी जाएंगे जबकि इस आगे वाले पे या आगे वाले सेल पे हम पहले से ना पहुंचे हैं. तो अगर इस सेल में स्टेटस की वैल्यू -1 है इसका मतलब हम पहले से नहीं पहुंचे हैं. और अगर पहले से हम नहीं पहुंचे हैं तो यहाँ पे हम पहुंचते हैं. कैसे पहुंचेंगे, किस सेल की या जो न्यू सेल है जो राइट वाला सेल है उसका स्टेटस हम सेट कर देंगे. करंट सेल जो CRCC सेल है उससे 1 ज्यादा उसका स्टेटस सेट कर देंगे. मतलब कि जो CRCC+1 मतलब राइट वाले सेल पे पहुंचने के लिए जो एफर्ट लगेगा वो करंट सेल में पहुंचने में जो एफर्ट लगा उससे ज्यादा लगेगा. साथ ही साथ इसको हम क्यू में इंसर्ट भी कर देंगे. जो हमने नए नया सेल फाइंड किया राइट वाला उसको हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया. अगर इस अपडेशन के दौरान हम लास्ट सेल पे या टारगेट सेल पे पहुंच गए हैं, हमारे पास टारगेट सेल n-1 और n-1 है. सो CR की वैल्यू n-1 है, CC+1 की वैल्यू भी n-1 है. तो हम स्टेटस ऑफ n-1 n-1 से रिटर्न कर देंगे. वही हमारी फाइनल डिस्टेंस होगी फ्रॉम 0 0 जो कि हमारा स्टार्टिंग स्टार्टिंग हमारी पोजीशन थी. तो ये जो हमने कोड लिखा है वो राइट के लिए लिखा है. सिमिलरली हम लोगों ने लेफ्ट के लिए लिखा है. मैंने आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है. फिर हमने अप के लिए लिखा है, सेम कोड है बट उसमें बस हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते चल रहे हैं. और जब भी हम अपडेशंस कर रहे हैं तो हम ये अपडेशन के बाद जरूर ये चेक कर ले रहे हैं कि क्या हम फाइनल सेल पे पहुंच गए हैं. अगर हम फाइनल सेल पे पहुंच गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऑपरेशन को ही रोकना है. और हम जो भी आंसर हमारा आया है लास्ट सेल में पहुंचने के लिए जो एफर्ट, हम उस एफर्ट को रिटर्न कर देंगे. सो डाउन सेल के लिए हमारा कोड है. इसके बाद डायगनल डाउन राइट जहां पे रो एंड कॉलम दोनों इंक्रीज होंगे, डायगनल डाउन लेफ्ट जिसमें रो इंक्रीज होगा लेकिन कॉलम डिक्रीज होगा, डायगनल अप राइट जिसमें कि कॉलम इंक्रीज होगा रो नंबर कम होगा, डायगनल अप लेफ्ट जिसमें कि कॉलम नंबर कम होगा और रो नंबर भी कम हो जाएगा. इस तरह से ये हमने सारे ऑपरेशंस को तब तक चलाया है जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए. अगर हम कभी भी अपने टारगेट सेल पे नहीं पहुंच पाएंगे तो उस केस में क्यू एम्प्टी होके, ये जो व्हाइल लूप है, क्यू एम्प्टी होके हमें बाहर आना पड़ेगा. और जैसे हम क्यू एम्प्टी होके बाहर आएंगे तो हम -1 रिटर्न कर देंगे जो इंडिकेटर है कि हम टारगेट सेल पे कभी नहीं पहुंच पाए.
अगर टारगेट सेल पे हम पहुंचे होंगे तो इस लूप के, ये जो व्हाइल लूप है जो ये कह रहा है कि व्हाइल नॉट क्यू डॉट एनपीटी, इस वाले में ही हम रिटर्न कर देंगे स्टेटस ऑफ n-1 एंड n-1 सेल। अदरवाइज हमें इस लूप के बाहर आना पड़ेगा और हम कभी भी अपने टारगेट सेल पे नहीं पहुंच पाए हैं ऐसा हमने माना है, और इस केस में -1 रिटर्न कर देंगे। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। You can see that the sample test cases have got passed. Now I'm submitting this. Let's see what is the result of the submission. So you can see that the solution has got accepted. It means that we have correctly solved this problem. And I hope आपको ये problem समझ में आया होगा, जो कि BFS based 8-dimensionality का question है. We will take more questions, more related questions in the subsequent lectures. Thanks for watching.